वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉडेट के बारे में। इसकी प्रीवियस जो लेक्चर थी उसमें हमने हार्डमानिया ख़त्म किया था, जो कि यूरोकॉडेट का रिप्रेजेंटेटिव था, एक उसका एक एग्जांपल था, जो कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है। तो सिफेलोकॉडेट में एम्फियोक्सस को रखा गया है, या ब्रैंकियोस्टोमा कह सकते हैं इसको हम। तो शुरू करते हैं, चलिए। सिफेलोकॉडेटा, देखिए सिफेलोस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे सिफेलोस लिखा है इसके मीन्स होता है हेड। ये हेड होता है और ये क्या होता है, कॉर्ड। ये क्या है, नोटोकॉर्ड, ये इसका कॉर्ड। देखिए सिफेलोकॉर्डेट को अगर हम देखें, तो जब हमने यूरोकॉर्डेट से अगर कंपेरिजन का करते हैं, तो यूरोकॉर्डेट में हमने बताया था कि यूरोकॉर्डेट में जो कॉर्ड होता है वो केवल कहाँ पाया जाता है, इसके टेल रीजन में पाया जाएगा यूरोकॉर्ड में, और कहाँ पाया जाएगा, केवल लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। पर ये जो सिफेलोकॉर्डेट है इसमें क्या होगा, इसमें जो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटो कॉर्ड, वो करेगा, वो एक्सटेंड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। अब देखिए उसमें क्या था, उसमें था लार्वल स्टेज में पाया जाएगा और केवल पाया जाएगा नोटोटेल रीजन में। इसमें क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इसके जो हेड के जैसा स्ट्रक्चर से लेकर पूरे टेल रीजन तक ये क्या होगा, ये पूरा एक्सटेंड होगा। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए देखिए अगर इसका हम जनरल एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएं सिफेलोकॉर्डेट का, हमने क्या कहा, हमने कहा सर के जैसे स्ट्रक्चर से स्टार्ट होके पूरे बॉडी में ये फैला होगा, इसका नोटोकॉर्ड, और इसके क्या होगा, इसके ऊपर हो क्या, यहाँ पे नर्व कॉर्ड, और यहाँ पे क्या होगा, गिल स्लिट, इसके फ्रेंजिलियम गिल स्लिट पाएगी यहाँ पे। अब देखिए क्या हमने बताया, नोटोकॉर्ड इसे पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, इसे पाया जाएगा नर्व कॉर्ड, और जो नोटोकॉर्ड होगा वो बॉडी में पूरा एक्सटेंड होगा, और ये पूरे थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ पाया जाएगा इसमें, कोई लार्वल स्टेज, ये लार्वल स्टेज लेके पूरे एडल्ट स्ट्रक्चर पूरे लाइफ में इसके पाया जाएगा नोटोकॉर्ड। अब क्या पाया जाएगा इसमें, इसे पाया जा रहा है डॉर्सल, डॉर्सल हॉलो, हॉलो क्या है, ये नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ओके, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, ओके। अब क्या है इसमें, क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या दिखाई पड़ रहा है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ये तीन कैरेक्टर थे किसके, कॉर्डेट के। इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, किसके, वर्टिब्रेट का ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट के, सॉरी वर्टिब्रेटा के, वो इसमें कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसको कहते हैं क्या, ब्लूप्रिंट ऑफ वर्टिब्रेटा, क्या बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट, इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब आप जानते हैं, जब भी हमने बताया कंप्लीट, तो यहाँ पे माउथ से लेके पूरा एनस तक, एनस तक क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, माउथ से लेके एनस तक इसमें सब कुछ पाया जाएगा। अब देखिए इसमें रिस्पायरेशन के लिए कोई भी एक ऑर्गन नहीं पाया जाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं, पर रिस्पायरेशन कैसे होगा, रिस्पायरेशन जो जनरल इसकी बॉडी सरफेस होगी, जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के कारण होगा इसमें। अब देखिए इसमें जो सर्कुलेशन होगा,
इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, इसमें बहुत ही वेल डेवलप होगा और क्लोज टाइप का होगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप, वेल डेवलप्ड होगा और क्या हो, क्लोज टाइप, और क्लोज टाइप का इसके अंदर होगा। ठीक, अब देखिए डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बोला वेल डेवलप, तो आप सोच रहे होंगे इसमें पाया जाएगा क्या, इसमें पाया जाएगा हर्ट, पर इसमें हर्ट क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसमें क्या होगा हर्ट, इसमें हर्ट क्या होगा, हर्ट इज अब्सेंट और नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटोरी पिगमेंट। देखिए टेलीग्राम पे जाइए, इसकी नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे और अच्छा लिखा हुआ है, आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल वहाँ पे। अब देखिए, अब इसका जो एक्सक्रीशन होगा, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किसके कारण, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटो नेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट। अब देखिए इसमें जो सेक्सेस होते हैं इसके, मेल और फीमेल, वो सेपरेट होते हैं, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। क्या होगा इसमें, इसमें जो सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट, सेपरेट सेक्सेस सेपरेट होंगे, और फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसमें, एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा। और इसका जो एग होगा वो क्या होगा, एग होगा इसका माइक्रो, माइक्रोलेसिथल। जो देखिए इसमें जो डेवलपमेंट होगा, इसका जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। आप समझ गए, अगर इनडायरेक्ट है तो इसमें क्या होगा, बीच में लार्वल स्टेज पाई जाएगी, और इसमें फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग लार्वल, लार्वल स्टेज इसके अंदर पाई जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका एग्जांपल है वो है क्या, ब्रैंकियोस्टोमा, बी आर ए ब्रैंकियो स्टोमा, ओके। और इसको क्या, इसको हम कहते हैं एम्फियोक्सस, एम्फी ऑक्सस, इसको कहते हैं लेंसलेट्स, ये इसका एग्जांपल है। तीनों का नाम एक ही है, एक ही को हम एम्फियोक्सिस वही है, ब्रैंकियोस्टोमा वही है, और लेंस, ये लेंसलेट्स भी एक ही है, इसको कॉमन है वही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, इस एम्फियोक्सिस के बारे में। और ये जो हमने पढ़ा ये क्या है, ये एक जनरल कैरेक्टर है, ये जनरल फीचर है किसके, सिफेलोकॉडेट के। एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको इनसे भी क्वेश्चन फंस सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप है बट हर्ट अब्सेंट है, तो आप सोचेंगे कि इसमें सर्कुलेशन कैसे होगा, इसके जो वेसल्स हैं उसी में ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, और उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो मेंटेन रहता है, ओके। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एम्फियोक्सिस के बारे में, उसके डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी सिस्टम, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा केवल उसी को इंक्लूड करेंगे, पूरी बात हम नहीं जानेंगे, क्योंकि आपका बुक है, आप उससे भी जाके पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दो महीने या दस दिन में केवल आप नोट्स ही कवर कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ इंक्लूड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।